हेलो, वेलकम बैक टू हैप्पी गार्डनिंग बाय सीमा चैनल। कैसे हैं आप सब लोग और कैसे हैं आपके पेड़ पौधे? मेरे हिसाब से आपके पेड़ पौधे और आप सभी दोस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं स्विस चीज़ प्लांट के बारे में। स्विस चीज़ प्लांट में बहुत सारी जो है वेराइटी आती है, और आज जो वेराइटी मैं दिखा रही हूँ, ये मैं दिखा रही हूँ आपको राजस्थान में जयपुर शहर, जो कि मेरा नेटिव प्लेस भी है वहाँ की। ये हमारे जो नेबर अंकल हैं श्रीवास्तव अंकल, उनके यहाँ की है। और जो है आप देखेंगे कि कितना लो मेंटेनेंस प्लांट है, और लो मेंटेनेंस होने के साथ साथ इसकी देखती है पत्तियाँ कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी जो है इसमें लीफ आ रही है, और बहुत सुंदर जो है इसकी ब्यूटी जो है, सबसे ज़्यादा इसकी ब्यूटी जो है हमारे घर से और इनके पड़ोसियों के घर से नज़र आती है। तो हम अंकल से जानेंगे इस सारी चीज़ों के बारे में कि क्या इसकी वो मेंटेनेंस करते हैं, कैसे उन्होंने इस पेड़ को लगाया, इस प्लांट को लगाया है। हम लोग सभी सोचते हैं कि कैसे नर्सरी वालों के जो प्लांट्स हैं पूरे भरे भरे जो हैं वो नज़र आते हैं, तो मैं आज आपको यही तरीका बता रही हूँ। ये है एंजॉय पोथोस, पोथोस की एक वैरायटी मनी प्लांट की। आपको नोड एरिया जो है वो हमेशा लेना होता है अपने, जब प्लांट को मल्टीपल करना होता है तो ये नोड एरिया है। यहाँ एरियल रूट्स भी आ रही हैं, तो इस तरीके से आपको सिर्फ ये कट करना है, ये इस तरीके से लगाना है आपको, नोड एरिया जो है अंदर चला जाए और ये सारी जो कटिंग से आप पास पास लगाएं इस तरीके से, और पूरा जो अपना है पॉट इस तरीके से भर दें, पूरे पॉट में इस तरीके से आप ये भर दें। और आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि इनकी जो है जड़ें जो है डेवलप हो जाएंगी, उसके बाद में जो है पूरा गमला आपका भर जाएगा। सो आज मैं आपके सामने जो प्लांट यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये जो प्लांट है हम लोगों के जयपुर में जो हमारे एक अंकल हैं श्रीवास्तव अंकल, जो हमारे साथ में हैं यहाँ, उनके यहाँ से मैं ये शूट करी, और बहुत ही सुंदर लुक है इस प्लांट का। आप देखेंगे कि ये 8-9 साल पहले हमारे जो आंटी थी उन्होंने लगाया था, और एक छोटे प्लांट के रूप में लगाया। तो ये पुरानी, आप ये देख सकते हैं कि पहले जो है पत्तियाँ इस तरीके से इसकी निकल कर आई, देन इसमें जो है टेक्सचर जो है अपीयर होने लगे। सबसे बड़ी बात ये है इसकी जो स्टेम्स, आप देखें कैसे ये है, यहाँ से ऐसे मोटी होती जा रही है, ये यहाँ से ना मोटी होती जा रही है। जैसे जैसे इसको सपोर्ट मिल रहा है वैसे वैसे इसकी एरियल रूट्स निकलती जा रही हैं। प्लांट जो है ये प्लांट अंकल ने अपने घर में लगाया है, लेकिन इसका असली लुक हमारे जो और नेबर जो आंटी है उनके यहाँ पे आ रहा है, वहाँ से भी मैं आपको इसका दिखाती हूँ। और इसकी जो सपोर्ट मिलने के कारण आप देखेंगे कि इसकी जो लीफ की साइज़ है, आप देखिए कितनी बड़ी है इसकी लीफ की साइज़ की, मेरे फेस से भी मेरा ज़्यादा आ रही है। तो आप लीफ की जो साइज़ है आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल है। तो इसकी आप क्लोजली अगर आप ये देखेंगे तो स्टेम जो है इतनी हैवी है, बहुत ज़्यादा जो है इसकी स्टेम है जो हैवी है, और पूरी जो है यहाँ से ये एरियल रूट्स भी निकल रही है, क्योंकि इस प्लांट को जो है सपोर्ट इसका बहुत अच्छे से मिला हुआ है। एक्चुअली बांध तो रखा ही है, लेकिन इसको जो है वॉल का सपोर्ट मिला है, इसके लिए इसकी लीफ जो है बड़ी होती जा रही है। तो जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा ऊपर सपोर्ट मिलता जाएगा, और इसकी लीफ का साइज और इंक्रीज होगा। ग्राउंड सो आई जस्ट टाई देम अलोंग दिस पिलर you know, along this pillar, and with a very strong rope, so it may not fall, because it itself is a very strong vein. ये जो plant है अपने आप में बहुत ही strong है ये। तो अभी देखिए you will find that as it is growing up and you know it is expanding, it is giving bigger leaves. Stem. Leaves are getting bigger. So you know itself is, the plant itself is beautiful. The leaves itself are, leaves are very attractive and very broad, mega size. See the whole of. See this. Take a close up. Hi. ऐसा लगता है जैसे droplets हैं ये. Yes. उसकी बूंदे हों। तो आप इसके अंदर जो है मैन्योर कितने दिन के अंदर? मैन्योर मैंने अभी तक नहीं डाला मैम, आजकल लेट मी टेल यू ऑनेस्टली फ्रैंकली, बट आई एम नाउ थिंकिंग टू प्रोवाइड सम एक्स्ट्रा मैन्योर, या कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैंने इसके अंदर प्रोवाइड करूंगा, दैट आई विल बाय फ्रॉम सम शॉप, फर्टिलाइजर शॉप, एंड आई विल पुट इट। बट आई बिलीव इन वन थिंग, बिकॉज आई एम ऑल्सो मतलब ऑलरेडी फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉलेज, सो वट आई बिलीव दैट वी शुड यूज ऑर्गेनिक मैन्योर्स।
एंड वी शुड अवॉइड केमिकल मैन्योर्स है ना, बिकॉज दे आर हजार्डियस. सो यू कैन यूज दिस ड्राइड काउ डंग और गोट डंग, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू कैन जस्ट पुट इट. सो वी कैन पुट मंथली इन यू नो इट डिपेंड्स व्हेन सी इट शुड बी पुट जस्ट बिफोर यू इरिगेट देम. सो यू कैन जस्ट नॉट मंथली रिक्वायर्ड बट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर एनफ. दो तीन बार क्वार्टरली डालिए आप. किसी तरीके का आपने देखा इसके ऊपर किसी तरीके का? नो डिजीज अटैक्स, नो पेस्ट अटैक्स, नो पेस्ट. यही पूछ रहा था ना? हाँ, यस यस. नो अटैक्स, यू नो इट इज सच यू नो बोल्ड प्लांट, इट टेक्स केयर ऑफ इट्स हेल्थ है ना, इट प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ अगेंस्ट ऑल दिस पेस्ट. तो प्रोटेक्ट इसके अंदर पेस्ट कभी लगा नहीं. एंड फॉर्चुनेटली नो प्लांट इज सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ यू नो इंसेक्ट पेस्ट. And I am seeing myself, and I am putting some pesticides because this soil actually na it has problem of termites. So okay. for that I am using a powder. I can show you that powder if you just like to see, and that is very very effective. Okay. Powder. Mm. I am removing this. You know, I removed this yellowish. You know, it is getting pale. It is getting older. It is getting. And if you know, if I don't remove it now, it gives a very 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 ugly look to the whole plant, and it may also you know cause some infection. Yeah. In the plant. So we have to remove. I have to remove old leaves. Ah, frequently. See, like we human beings, we have to dress up, we have to clean, keep ourselves clean, neat and clean like that. These plants also need care. Yeah. You know, they need care, training and pruning. What we call normally training pruning. Every plant needs, whether it is a small plant or whether it is a big. तो देखा आपने कितना इजी है इस प्लांट की मेंटेनेंस करना. सिर्फ और सिर्फ इग्नोरेंस और उसके साथ में है इसकी टाइमली कटिंग करना. क्योंकि राजस्थान में लग रहा है तो इससे आपको साफ ही पता चल गया होगा कि ये एक वॉल पे लग रहा है तो सेमी शेड का प्लांट है, या फिर हम कहें इसको कंप्लीट ना तो आउटडोर कह सकते हैं ना इंडोर कह सकते हैं. थोड़ा सा इसको हीट भी चाहिए होती है, साथ में हमको चाहिए होती है कम पानी. तो इसमें ये आराम से इतना अच्छा ग्रो कर रहा है. तो आप लोगों को मेरी दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस तरीके का प्लांट अपने घर के अंदर भी ग्रो कीजिए जो कि आपके घर की सुंदरता को बढ़ाए. और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर, साथ में जुड़ सकते हैं फेसबुक पर. कोई भी तरीके के क्वेश्चन होने पर प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, कोई सलाह हो तो बताइए. अगले सप्ताह फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.